गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं बढ़िया। एंड अपना हाल चाल बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। एंड ये देखिए, हवा बहुत पहले तो चल रही है। ये सिटी का थोड़ा सा दूसरा साइड पड़ता है, मेरे घर से कुछ 80 किलोमीटर दूर। एंड ये देखिए मॉल, एंड इस मॉल में है पीटरलैंड। तो आज हम लोग विजिट करने वाले हैं पीटरलैंड, देखते हैं कैसा रहता है सारा एक्शन। अब देखते हैं, बच्चे वगैरह सब कुछ लेके आए हैं साथ में नहाने के लिए, इधर उधर एंजॉय करने के लिए। तो ये कृष्ण जी के मंदिर के पास ही पड़ता है, तो देखते हैं वहाँ तक जाते हैं। ऑलरेडी मेरे को 10 मिनट हो गए पैदल चलते तो आगे देखता हूँ कैसा रहता है। बच्चे तो बहुत खुश हैं। वैसे तो घर के पास भी बेसिन होते हैं, स्विमिंग पूल, लेकिन यहाँ पे ना कुछ बना हुआ बच्चों के हिसाब से। तो मैं सोचा कि यार वेकेशंस हैं, खुद ही विजिट करते हैं जाके और देखते हैं। दानी सिंह, दानी इधर ही दे, मम्मा यानी मगू को आदमी रुके इधर से। ये एरिया भी बहुत अच्छा है भाई। ये थोड़ा इस मेन एरिया का थोड़ा सा साइड में आ जाता है, लेकिन अगर मेन इस एरिया का बात करूँ तो सच में बहुत अच्छा है। पार्किंग, हाँ यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस हैं। चलो हमने अच्छा किया, बैक साइड पे घर थे वहाँ पे लगा दिया फ्री में। यहाँ पे 100 रुपीस लगेंगे एक घंटे के, मतलब 5-6 घंटे आप यहाँ पे 500-600 रुपया। हाँ 100 रुपीस एक घंटे के यहाँ पे चार्जेस हैं। एंड 5-6 घंटे तो ज़रूर यहाँ पे बिजी होंगे रहेंगे। ओ तामीज पीटरलैंड, वो रावा नाम ना था दवे सुधी दो इले वो दवे प्राइम वो छोटी छोटी बाहर लगे हुए हैं स्टॉल। वैसे तो इसके अंदर खुद का फूड कोर्ट तो हर जगह पे होता है, एंड यहाँ पे तो ज़बरदस्त होगा जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, जो उसका साइज चेक कर पा रहा हूँ ना, उसके हिसाब से सेंस कर पा रहा हूँ। एंड आज अच्छा एक चीज़ बताऊँ, आज ट्यूसडे हैं तो इसलिए कम लोग हैं। सैटरडे संडे यहाँ पे जो जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं ना, लोग 3-3 घंटे वेट करते हैं लाइन्स में इसके अंदर जाने के लिए, इतना भीड़ होता है। और आज देखते हैं, होप कि हमें लाइन पे वेट ना करना पड़े। पता नहीं क्या ये एकदम से फेमस हुआ ये जगह, बच्चों के लिए जो थोड़े बड़े हैं उनके लिए। तो देखते हैं कैसा रहता है। 15 मिनट हो गए पैदल चलते हैं ये क्या लगा हुआ है? तवारिस इंडिया ही पाकिस्तान, इंडिया से किसी पाकिस्तान में। अक्वा पार्क, я чувствую запах Индии. Да. Я чувствую запах Индии. То я реально бы от этих звуков ваша. Если. Аквапарк. Ещё масала вам убили. Раз их Куда вот там очередь? Вот там на Пусногу Питер Лэндли. Вот там ватерпарк. यार मॉल के अंदर ही वाटर है। आई सीरियन में यार नॉर्मली इंडियन देखने को मिल सकते हैं, तो ये इंडियन ही दो जा रहे हैं। अच्छा तो हम लोग यहाँ पे विजिट किए थे, बताना चाह रहे थे कि एक्वा पार्क में जा रहे हैं। और देखिए एक्वा पार्क के आगे लाइन कितनी लगी हुई है यहाँ से शुरू हो गए वहाँ तक जा रही है। अभी ये ट्यूसडे है, फिर भी अभी सैटरडे संडे होता तो गली पे लगी होती लाइन। ये चीज़ देखो, रॉबर्ट आइसक्रीम बना के देगा, अभी आइसक्रीम बना के देगा दुनिया चेंज हो जाएगी। अभी वो दुकानदार वाला कोई सीन भी है, कोई पर्सन खड़ा होकर काम कर रहा है, आज के बाद रॉबर्ट कर रहे हैं बस मात्र Решила положить вам чуть больше, чем обычно. Так, по-дружески. Сейчас вот лодки, вот робот лодки бат карри, и я банаке. Такая морозная.
Приходите ко мне каждый день, иначе я буду скучать. जो मर्जी बोल दीजिए, रोज रोज आओ, रोज खाओ, नहीं तो मैं आप लोगों को मिस करूंगी। Лучший способ рассказать детям о налогах – это съесть 13% от их мороженого. अच्छा भाई, देगी क्या बिना दुकानदार के भी? Моё мороженое одобрено Всемирной ассамблеей роботов-мороженщиков. कोडिंग है, सिंपल सा, जस्ट एक्स वाई इसको एक्सप्लेन है, एक्स वाई जेड कहाँ तक जाना चाहिए। रोबोट फेल हो गया, कहीं पे जाके लेके मारेगा किसी के मुंह पे आइसक्रीम। वजह अगर ख़त्म हो जाए तो मेरे पास आने का और लेके जाने का। चलो हो गया जी रेडी। तो कैसा लगा बताइएगा ये। Activity Park. Пойдем сначала сюда. Пойдем сюда, иди беги играть. Иди попекай, Данил, там. Пойдем с мамой там. Данил. Бачок идет на той поле. Вера, аквапарк. बड़ा बाप रे, इतने लोग हैं, देख सकते हैं। एक छोटा सा कैफे, आगे झूले भी लगे हुए हैं पानी में चलने वाले। ये गिर गया दोबारा, सारे एंजॉय कर रहे हैं। फोन से दान को लेते हैं। इधर देती हो, इधर दे माइलिंग। अरे बाप रे, पता नहीं क्या होगा लास्ट में, ऊपर तो बढ़ रहे।
Дани не трогай. Иди. Можно и мне тоже, да? Вот он хочет дальше посмотреть. Посмотрим как. Смотри. Иди, взрослый тоже может. और आगे इससे भाई समंदर है गवाई माली इनकी. Иди спускайся и Мишу встречай. हाँ जी फ्रेंड्स, सो एक्वा पार्क में हम लोग विजिट किए थे आज सोनसिफर को मोस्ट. सो दोस्तों, एक्वा पार्क में आज विजिट किए थे. बहुत ज़्यादा वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एक तो मोबाइल को लेके साथ साथ में घूमना, फिर वीडियो शूट करना, एक्चुअल में हम लोग इंजॉय करना चाहते थे. तो यहाँ वहाँ पे साउना बहुत कुछ था, बहुत टाइप का इंडियन साउना. क्या है, इंडियन साउना में तो बहुत ही कम टेम्परेचर छोड़ा हुआ था, कुछ प्लस 40 कुछ ऐसा था, एंड कुछ फील नहीं हो रहा था. जो साउना होता है ना, प्लस 70 प्लस 90 डिग्री सेल्सियस इतना होना चाहिए टेम्परेचर, फिर जाके मज़ा आता है और पता चलता है कि कुछ कर रहे हो. खुद रोम नहीं गई थी समाधि यानी परावा पकड़ा चली थी ने तो दा одна сторона давления, та не давишь как это. Ну, не поворачивать направо, но там уже можешь ехать прямо. Да. Ача, то हम लोगों ने खूब इंजॉय किया. 3 घंटे हम लोगों को मिले, 3 घंटे. 3 घंटों में एक बंदे का टिकट था 2500 रुपया, एंड अगर 5 घंटों के लिए चाहते हो तो 2800. बड़े बड़े वहाँ पे लगे हुए थे जो रोलर स्केट, और क्या बोलते हैं, रोलर स्केट बता रहा हूँ यार, झूले लेने के लिए पानी में, तो जेट के साथ चलने वाले. बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, लेकिन बहुत सारे लोग थे. इवन कि ट्यूसडे है फिर भी इतने सारे लोग थे. तो सैटरडे संडे को तो मेरे को लगता नहीं कोई मतलब बनता है वहाँ पे जाना, क्योंकि आज के दिन में किसी भी जगह पे जा रहे हो और टाइमिंग लग रहा है आपको, कोई भी आप कुछ झूला लेना चाह रहे हो, कुछ लेने हो तो लाइन पे लग रहे हो कुछ ऐसा. तो इस प्रकार का थोड़ा रहा. हाँ, बाकी इंजॉय किया थोड़े टाइम के बाद. देखो 5 घंटे भी काफ़ी हो जाते हैं बड़ों के लिए, तो चलो ठीक है. बच्चों के लिए 5 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बच्चे पहले तो थक जाते हैं, दूसरी चीज़ ही उनको ठंड लगना शुरू हो जाता है. पानी गर्म होता है, टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू होता है बॉडी के, लेकिन फिर भी तो खूब इंजॉय किया. और अभी हम लोग जो हैं घर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने बच्चे सो चुके हैं गाड़ी में, और 8:30 बजे का टाइम है रात के, सेंटर में घूम रहे हैं. 8:30 बजे का टाइम है ये, अभी भी 15-20 किलोमीटर जाना है दूर. सेंटर जो है ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही दिया है हम लोग, ऑलमोस्ट सारा क्रॉस कर दिया हुआ. हाँ जी फ्रेंड्स, प्रीवियस. सो हम लोग जो है मोस्टली शॉपिंग वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया, अभी तो हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं,
कमी है कहीं पे जाके कुछ अपने लिए सेलेक्ट करो। अभी सब कुछ ऐसा है, मोबाइल पे क्लिक करो, हर चीज़ घर पे, हर चीज़ अभी ऐसा है, खाना पीना ये वो कोई भी चीज़ चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स से लेके कुछ भी, कहीं भी नहीं आना जाने का जरूरत, मोस्टली हर चीज़ घर से ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा सिस्टम है, अभी वाइफ मेरे लिए शायद कुछ चूज़ कर रही है। Срок доставки выбрала, чтобы до 7 дней длинный рукав, материал хлопок. हां जी. И вот я сейчас буду смотреть что-нибудь. और ये सर्विस बहुत फास्ट होता है। देखो ये वो सीन नहीं है कि आप 10-10 दिन वेट कर रहे हो कपड़े का, कुछ कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, तो सीधा सर्विस है 1 घंटे में। हां यार, हां ऐसा मत सोचना कि हम लोग मशहूरी कर रहे हैं, कोई मशहूरी में सारी नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूं। यहाँ पे ये सर्विस जो है बहुत फास्ट होती है, 1 घंटे में भी चीज़ आपको डिलीवर होती है। मैंने चोर नहीं करने से अंदर आवे से समात्री, इसलिए डिज़ाइन नहीं इसका खराश होने है, तो सिंपल चोर नहीं तो जो नहीं फ्लोका। अच्छा तो मैं बात कर रहा था, सर्विस बहुत फास्ट होती है, 1 घंटे में भी डिलीवरी होता है, 1 दिन में भी या 1 दिन बाद, 2 दिन तक कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, गाड़ी से लेकर कुछ भी, ठीक है ना। तो अगर कुछ स्पेशल है कोई है, कुछ हो सकता है किसी चीज़ को थोड़ा समा लगे, 4 दिन 5 दिन या हफ्ता लगे, वो अलग प्रोडक्ट है, वो आपकी इच्छा है, आपको वैसा बाय करना है, नहीं तो उसी प्रकार के थोड़ा सा 500 रुपये का फ़र्क हो सकता है और आपको 1 घंटे में भी डिलीवर हो जाएगा। आईफोन वगैरह जो मर्जी चाहिए 1 घंटे में डिलीवरी सीधा, आपने क्लिक किया 1 घंटे में घर पर, मतलब वैसा ही है कि जैसे आप शॉप में जाके बाय करते हो। अगर भाई किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकते तो इतने जल्दी, अगर आप एमरजेंसी कहीं भी आप हो, आपको कुछ चाहिए एमरजेंसी, अभी आप नहीं निकल सकते, तो 1 मिनट मोबाइल पे ओपन करके ऑर्डर डाल दीजिए 1-2 घंटे में, या जैसा आपका सामान वेट कर देख लीजिए, उसके हिसाब से चीज़ आ जाती, ठीक है ना। तो सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत अच्छा है यार। चल पसमात्री तो अभी तो ये कुछ भी नहीं पसंद आया इसको, बोलती मेरे को कभी कुछ नहीं पसंद आता। ये मेरे लिए कपड़े कपड़े यही पसंद करती है भाई, मैं नहीं करता। ओ नहीं नहीं, दवाई थी तकदा बीच नहीं बोला गया सी, अजीबो गरीब पिक्चर्स हैं अभी ऐसी शर्ट्स के ऊपर, टी शर्ट्स के ऊपर, तो मैं बोला कि बेहतर है कि नॉर्मल जो हो प्लेन वही ऑर्डर करें, ऑरेंज में मिलेगा मेरा उससे, देखते हैं। त्योपले नहीं पाई दोती है का चूस तो था तोन की नू जकरी था इली का कुछ दानिच का इस तो कुर्तच का रुबाश का हाँ कुछ ऐसा दानिल को की तो कुर्तच का जीन्स का के जकर था क्रसी वाले के लिए दिन नो करे था। मैं यार यार पसंद करता हूँ तुझे, यही पसंद करके देती है, और उसमें से देख लेता हूँ कोई अच्छा बुरा। नहीं बेली तो नहीं खचो क्योंकि तो दुर्गी से नहीं खचो। वाइट पूछ रही है, वाइट पसंद है कि नहीं, मैं बोला नहीं। तो कोई सीनी, हाँ सीनी मौज में पप्रोवेट मौज ऑर्डर मौज ना पसता पसमान यार, देख सकते हैं इसका ट्राई कर सकते हैं। Тебе её привезут, ты её померяешь, если нравится, потом платишь, если не нравится, они забирают бесплатно. हाँ यार ऐसा है कि आप ऑर्डर डाल देते हैं, चीज़ आती है, अगर आपको पसंद है तो ले सकते हो, जब भी लोगे तो तब ही पैसा पे करना पड़ेगा, अगर नहीं पसंद तो हाँ सेरी तो जो मोजना, अगर पसंद नहीं है तो कोई इशू नहीं, फ्री, ठीक है ना, सिंपल सा प्रोसेस और जेन्युइन सा प्रोसेस है भाई। थोड़े दिन पहले लाइट भी ख़राब हुआ था, लाइट ऐसे बस पिक्चर 2 क्लिक किए वापस भेज दिया, दे दिए ले लो बाइक, टूट गया ख़राब है, गारंटी में था, उसी वक्त पैसा कार्ड में, नया बाय कर लिया, अगले दिन नया आ गया, पुराना ले लिया उन्होंने, अगले दिन नया मिल गया, बात खत्म। हाँ यार लगता है मैं खुद ही देखूंगा अभी पक्का से। ते सांब का बारे ओए पति दी दिखा दिखा ये आका चुप प्लेन का की था प्लेन तो तो का प्लेन बेस था ग्राफिक ग्रुपी वो तो था क्या वो तो क्या नॉर्मल नहीं तो था ना पिसना तो था। हाँ यार कुछ ऐसा चीज देख रहा हूँ, कुछ महंगा नहीं है, 600-700, 2000-2500 कुछ ऐसा ही प्राइस लिखा हुआ है। नहीं तो कोई नहीं खोजू तो कोई ऐसा भी नहीं भाई। कोई
Деньги. Нам надо на шопинг выйти. А, яр. चलो देखते हैं क्या चूज करते हैं, चूज करने के बाद जरूर दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। उधर से पकड़ने सीधा नॉर्मल। हमारी नानी जी अपना लेंस वगैरह चेक करवाने आई है एंड और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। की पप्रो वो थे तो की पप्रो इली तकी हैरी पॉटर बन गए। स्थिपिरधीर जी या दिन पप्रोगे या पप्रोगे दिन कक इजी थी सदा ताकि करूँ ना मोस्ट्रा कैसी लगी यार बैक साइड पे, बैक साइड पे ना बहुत बड़ा उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ, मेज मेज टेबल है बहुत जबरदस्त, पूरा पार्टी चला, म्यूजिका का लोन का शो, म्यूजिक लगा हुआ है बिल्कुल स्मूथ ऐसा। मैं तो ग्रीन टी लेके आया हूँ और भी है बहुत कुछ, बच्चे थे सब कुछ। भाई बहुत अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर रहता है, देखिए नीचे वो कंपनी है, ये सारी एक ही कंपनी है, बहुत सारे लोग साइकिलिंग के ऊपर है, कम से कम 30 साइकिल वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो दानियल मिशा नानी, हाँ जी दानियल मिशा नानी हमारी सास वहाँ पे बैठी हुई है और मैं और अपनी वाइफ के साथ थोड़ा पैदल चल रहा हूँ, लुप्त उठा रहा हूँ, क्योंकि शादी के बाद होता है ना हर टाइम बच्चे साथ में, तो जब सास आती ना मेरी नानी आती तो थोड़ा सा रिलैक्स तो होता है कि बच्चे उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं उसके उनके साथ, तो हम लोग यार कितना बड़ा हंस है ये, хочет нет дай меня снимай ему травку да гадкий не будешь чисело ты с ним травка хотел там сами могли себе надо. Это один такой или еще один? Как тебе? Рада? Данечка видел? Пойдем, Данечка. Идем.
забирай. Анастасия не мере лияз, чизе куча байги, пата не кия. Джерси, пата не шорт. Я байги я. Абижа ке декте, аге бадре. Сюрприз и ога, я то куч чуз. Нет, это ты выбирал. Мере ко худи не пата, я не чуз кие. Фир би жата, декта ум кия. Вахан пе пата чалега. Пропали куч ача лага, то пикап карунга. Otherwise, a reject. मौसम थोड़ा अच्छा हुआ पड़ा है आज का. अगर मौसम का बात करूँ तो अच्छा ही लग रहा है. सूरज भी है, कभी आ रहा है कभी छुप रहा है, तो बैलेंस है. एक थोड़ी सी ठंडी हवा, और वैसे तो मैसेजेस आ रहे हैं बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत ज़्यादा स्पीड में हवा चलेगी, तो ध्यान से रहिएगा. और भी शायद एकदम से ठंड में चेंज होगा कुछ ऐसे. Сегодня дождь будет вечером. А, और शाम रात को बारिश भी होगा. अरे यहाँ पे ना मौसम का कोई भरोसा नहीं होता. एक ही दिन में सारे मौसम देखेंगे, बारिश, सूरज, ठंड, गर्मी, बर्फ सब दिखाई देगा एक ही दिन में. हाँ जी फ्रेंड्स, सो आपको पता है जैसे कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक गारंटी लेटर लिखा था कंपनी को कि इस प्रकार से फंगस वगैरह शुरू हुआ है दीवार के ऊपर. सो अभी कुछ मंथ के बाद ये लोग प्रॉपरली प्रोसेस हुआ. पहले तो कुछ दिनों के बाद आके इन्होंने कुछ स्प्रे वगैरह किया दीवार के ऊपर, यहाँ से फंगस शुरू हुआ था. जब 100% सूख गया उसके बाद ये लोग आए दोबारा और वॉलपेपर जो है चेंज किया. वॉलपेपर चेंज करने के बाद इन्होंने सारा पेंट किया. आप देख सकते हो वॉलपेपर पड़ा हुआ है साथ में एंड पेंट किया. इसके बाद अभी देखो ऐसा सिस्टम है कि अभी पेंट किया, अभी चलो ये तो ओके रिपोर्ट है, दिखने में तो ओके है. अभी इन्होंने बोला है कि अभी सर्दी का वेट करेंगे. जैसे सर्दी आएगा ना उस समय ये दोबारा एक इनका स्पेशल मीटर रहता है जो जिससे दिखाई देता है कि गर्मी और सर्दी का एरिया सारा. और जब बाहर सड़क पे सर्दी होगा तो पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है.